लड़कियों में पीरियड्स आना एक आम बात है, लेकिन अगर ये अपनी एक्चुअल एज से काफी पहले ही शुरू हो जाए तो ये एक चिंता का विषय है। पहले के जमाने में जहाँ पीरियड्स 12 से 15 साल की उम्र में शुरू होते थे, वहीं आजकल कई लड़कियों को उनका पहला पीरियड महज 9 साल की उम्र में ही आ जाता है। और कई हेल्थ रिपोर्ट्स के अनुसार ये आगे चलकर उन लड़कियों की सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, साथ ही इसकी वजह से आगे चलकर इन लड़कियों को क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इसको लेकर आजकल के माता पिता क्या उपाय कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में करते हैं इन्हीं सब सवालों पर बात सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर उमा मिश्रा के साथ। हेलो, मैं हूँ नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पब्लिश होने वाली जामा नेटवर्क ओपन जर्नल की एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका में लड़कियों को उनका पहला पीरियड 1950s और 60s की तुलना में 6 महीने पहले ही आ रहा है। इस स्टडी के अनुसार लड़कियों को अब 9 साल की उम्र में ही पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, और ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, भारत में भी ऐसे कई केसेस देखे गए हैं। ये रिसर्च 71,000 से भी ज़्यादा महिलाओं पर की गई थी, और इस रिसर्च से जो डेटा मिला उससे ये पाया गया कि 1950 से 1969 के बीच पीरियड 12.5 साल की उम्र में शुरू हो रहा था, वहीं 2000 से 2005 में पीरियड 11 से 12 साल की उम्र में आने लगा था, लेकिन अब 11 साल की उम्र से भी पहले पीरियड्स आने वाली लड़कियों की संख्या 8.6% से बढ़कर 15.5% हो गई है, और 9 साल की उम्र से पहले पीरियड्स आने वाली लड़कियों की संख्या 2 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिसर्च में ये भी पाया गया कि ज़्यादातर लड़कियों को अब रेगुलर पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, और इन इरेगुलर पीरियड्स की वजह से लड़कियों में कई सारी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ रहा है, जिनमें PCOD, PCOS, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। तो ऐसे में इसको लेकर कई बातें हैं जिनकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है, जैसे कि लड़कियों को इतनी जल्दी पीरियड्स आने की क्या वजह है, पीरियड्स जल्दी आने से उनकी हेल्थ को क्या क्या खतरे हो सकते हैं, और क्या इसका कोई उपाय है, अगर हाँ तो माता पिता इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर उमा मिश्रा से। तो सबसे पहले आइए जानते हैं प्रारंभिक मासिक धर्म के कारण क्या है, और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा या चिंता का विषय क्यों बन गया है। आजकल प्रारंभिक मासिक धर्म एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसके कई कारण हैं जो आधुनिक जीवन शैली और पर्यावरणीय परिवर्तनों से जुड़े हैं। सबसे पहले पोषण में बदलाव, यानी चेंजेस इन न्यूट्रिशन। पहले की तुलना में आजकल के खान पान में बहुत बदलाव आ चुका है। बच्चों को अधिक फैटी, शुगर, जंक फूड मिल रहा है, जो शरीर के हॉर्मोन्स को प्रभावित करता है और मासिक धर्म को जल्दी शुरू करा सकता है। दूसरे मुख्य कारण है मोटापा, यानी ओबेसिटी। बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, अधिक वजन और मोटापा हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बन सकते हैं, जिससे मासिक धर्म जल्दी शुरू हो सकता है। स्टडीज से पता चलता है कि मोटापा और प्रारंभिक मासिक धर्म के बीच सीधा संबंध है। एनवायरमेंटल केमिकल्स, यानी पर्यावरणीय रसायन, प्लास्टिक और अन्य रसायनों में पाए जाने वाले केमिकल्स जैसे BPA, बिस्फिनॉल ए, अनथैलेट्स शरीर के हार्मोन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। इन रसायनों का संपर्क बच्चों के हार्मोनल विकास को तेजी से प्रभावित कर सकता है। तनाव और जीवन शैली। आजकल आधुनिक जीवन शैली में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया और अन्य तनाव जैसी चीजें बढ़ रही हैं, जिसके करके उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और मासिक धर्म जल्दी शुरू हो सकता है। जेनेटिक्स, परिवार में पहले भी जल्दी मासिक धर्म का इतिहास रहा हो तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकता है। हालांकि यह कारण पहले भी था, लेकिन आजकल इसका प्रभाव बढ़ते दिख रहा है। स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। आजकल स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई हैं और माता पिता पहले से ज्यादा जागरूक हैं, तो वे बच्चों के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं और छोटी छोटी समस्याओं को भी जल्दी पकड़ लेते हैं, जिससे प्रारंभिक मासिक धर्म का पता जल्द ही चल जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक मासिक धर्म से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। प्रारंभिक मासिक धर्म के कारण ढेर सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं,
जैसे कि मानसिक या मेंटल हेल्थ, लड़कियों में तनाव, चिंता और डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या हार्मोनल इम्बैलेंस की संभावनाएं भी इस स्थिति में बढ़ जाती हैं। मोटापा और मधुमेह यानी ओबेसिटी, डायबिटीज, प्रारंभिक मासिक धर्म से मोटापा, हृदय रोग और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। हड्डियों का स्वास्थ्य यानी बोन हेल्थ, ऐसे में बोन डेंसिटी कम हो सकती है जिससे भविष्य में हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। अब सवाल यह है कि इस स्थिति में माता पिता क्या कर सकते हैं। माता पिता कुछ कदम उठा सकते हैं जिससे उनकी बेटियों को इस स्थिति से निपटने में मदद मिल सकता है। स्वस्थ आहार जैसे संतुलित और पौष्टिक आहार, बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट का ध्यान रखें। आहार में ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें। जंक फूड, अधिक शुगर और फैट वाले खाद्य पदार्थों से बचें। शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल एक्टिविटी, सो नियमित व्यायाम या और रेगुलर एक्सरसाइज और खेल कूद को प्रोत्साहित करें। रोजाना कम से कम 30 से 60 मिनट की शारीरिक गतिविधि जैसे दौड़ना, तैराकी, साइकिल चलाना या किसी खेल में भाग लेना बच्चों के लिए फायदेमंद है। इमोशनल सपोर्ट, बच्चों से खुलकर बात करें और उन्हें समझाएं कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। उनके सवालों का सही जवाब दें और उन्हें आत्मविश्वास दिलाएं। उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें सुरक्षा का एहसास कराएं। मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर से नियमित चेकअप करवाएं और किसी भी असामान्यता पर ध्यान दें। लड़कियों के लिए 8 से 9 साल की उम्र में ही स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना शुरू करना चाहिए, खासकर यदि मासिक धर्म जल्दी शुरू हो रहा हो या किसी प्रकार की भी समस्या दिख रही हो। तो इस तरह हमने देखा कि प्रारंभिक मासिक धर्म एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दा है जिसे समझना और जिसके लिए सही कदम उठाना आवश्यक है। माता पिता के सही मार्गदर्शन, समर्थन तथा डॉक्टर के उचित परामर्श से लड़कियों को इस बदलाव का सामना आसानी से कर सकती है। धन्यवाद। ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हेल्थ से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।